नमस्कार। हर खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। और जिस तरीके से हरियाणा का आज बजट पेश हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और उसके बाद उन्होंने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए और साथ ही साथ युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रखा है, आइए आपको समझा देते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट यानी कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। सीएम ने आज 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले साल की तुलना में 15.6% अधिक है। राज्य की एसडीजी योजनाओं के लिए 1,14,077 करोड़ रुपए रखा गया है। खास बात ये रही कि इस बजट में जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया है। सत्ता पक्ष ने बजट पर टेबल थपथपाई, जबकि विपक्षी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यह बजट नहीं केवल भाषणबाजी है। बजट पर अगली चर्चा अब 14 मार्च को होगी। 9 मार्च से लेकर 13 मार्च तक सभी विधायक बजट पढ़ेंगे और फिर 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक बजट पर चर्चा होनी है। वर्ष 22-23, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव कर रहा हूं, जो संशोधित अनुमान 21-22 के 1,53,354.44 करोड़ रुपए से 15.6% की वृद्धि है। इस बजट परिव्यय में 61,57.36 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय और 1,16,198.63 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय शामिल है, जो क्रमशः 34.4% और 65.6% है। पिछले कुछ वर्षों से कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा बढ़ा है, जबकि राजस्व व्यय के हिस्से में कमी आई है। बजट अनुमान 22-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां 1,06,424.70 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है, जिनमें 73,727.50 करोड़ रुपए का कर राजस्व, 12,205.36 करोड़ रुपए का गैर कर राजस्व, 8,925.98 करोड़ रुपए का केंद्रीय करों का हिस्सा और 11,565.86 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान शामिल है। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियां 5,393.89 करोड़ रुपए प्रक्षेपित है। मैंने इस वर्ष के बजट आवंटन का भी सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी के साथ जोड़ा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को नमन करते हुए महिलाओं के लिए भी सीएम ने कई बड़े ऐलान किए। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने प्रारंभ में ही कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च। मैं इस अवसर पर समस्त जगत की मातृशक्ति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम अपनी मातृशक्ति की सामाजिक, आर्थिक, खेल जगत, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हरियाणा की महिलाओं ने पिछले कुछ वर्षों में विशेष रूप से खेल और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हमें उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की सराहना और समर्थन करना चाहिए। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। उन परिवारों की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डेटा के आधार पर 5 लाख रुपए से कम है और जो किसी भी उद्यम, व्यापार, व्यवसाय में उद्यमी बनना चाहती हैं, उन्हें वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 लाख रुपए तक के आसान ऋण प्रदान किए जाएंगे। इस ऋण पर हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% की ब्याज दर की सहायता दी जाएगी। बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 3 शहरों फरीदाबाद, गुरुग्राम और पंचकुला में ऐसे मकान बनाए जाएंगे जो महिला हॉस्टल के रूप में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने के लिए सहयोगी होंगे। 47
शैक्षणिक संस्थानों में आने जाने की सुविधा कम करने के लिए विद्यार्थियों विशेषकर लड़कियों के शिक्षा के अवसर सीमित हैं। इन अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार भिवानी के कुड़ल व छप्पर तथा जिला सोनीपत के गन्नौर में 3 नए सरकारी महिला कॉलेज खोलेगी। मैं सम्मानित सदस्य का आभारी हूं कि विधानसभा ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ाकर सभी स्तरों पर कुल सीटों का आधा करने के लिए कानून पारित किया है। मुझे आशा है कि पंचायती राज संस्थाओं के आगामी चुनाव में इस बड़े कदम से स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान मिलने में सही मायनों में महिला सशक्तिकरण होगा। विधानसभा के पटल पर बजट पेश करते हुए सीएम मनोहर लाल ने पुलिस और न्याय प्रशासन के लिए 8,151 करोड़ रुपए की सौगात दी। सीएम ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए हरियाणा में 10,000 की जनसंख्या से अधिक वाले गांवों में नगर की तरह ही सुविधाएं प्रदान करने का ऐलान किया, जिसके लिए 6 महीने में प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। भूमि की खरीद हेतु सहमति आधारित नीतियां बनाई है। किसानों की सहमति से सरकारी परियोजनाओं हेतु भूमि खरीदने के लिए वैकल्पिक तरीके के रूप में ई भूमि को शुरू किया गया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने ई भूमि के माध्यम से 52 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके लिए भू मालिकों से स्वेच्छा से 924 एकड़ जमीन बेची है। सरकार एक लैंड पूलिंग पॉलिसी तैयार कर रही है ताकि लोग अपनी भू संपत्ति को पूल करके शहरी और औद्योगिक विकास में भागीदार बन सकें। भूमि साझेदारी की एक अलग नीति भी तैयार की जाएगी जो भू स्वामियों को सतत प्रक्रिया में भागीदार बनाएगी और विकास के बाद भूमि की बिक्री से होने वाली आय में हिस्सा कर सकेंगे। सरकार ने ट्रेडेबल TDR सर्टिफिकेट प्रदान करने के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए भूमि प्राप्त करने हेतु एक नीतिगत तंत्र प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार विगत के विपरीत राज्य के विकास के लिए लोगों के साथ काम करने में विश्वास रखती है। पिछले बजट में विवादों का समाधान योजना की घोषणा की थी। लंबे समय से बकाया बाह्य विकास शुल्क यानी EDC की वसूली में सुधार के लिए इस योजना को नवंबर 2021 में पुनः तैयार किया गया है। रियल एस्टेट क्षेत्र की मांग पर मैं इसे और 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। इस दौरान सीएम ने खेलों के विकास के लिए भी कई घोषणाएं की और कहा कि खेल जगत के उत्थान के लिए 540 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का अवसर प्रदान किया है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 8500 खिलाड़ी 25 खेल श्रेणियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम पर लगभग 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें खेल के बुनियादी ढांचे के विकास का खर्च भी शामिल है। इसमें 205 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी, शेष राशि भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी। खेल अकादमी के तहत हरियाणा साहसिक खेल अकादमी के तहत मिल्खा सिंह एडवेंचर स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से सरकार साहसिक गतिविधियों में युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मैं वित्त वर्ष 22-23 के बजट में खेल युवा मामलों के क्षेत्र के लिए 540 करोड़ रुपए का आवंटन करता हूं, जो कि चालू वित्त वर्ष के अनुमानों के तुलना में 37.2% की वृद्धि है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 8,925.52 करोड़ रुपए, शिक्षा पर 20,250.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट, कुरुक्षेत्र में बनेगा महाभारत कालीन थीम पार्क, 21 साइबर पुलिस स्टेशन बनेंगे, झज्जर में बनेगा राजकीय संग्रहालय, लड़कियों को परिवहन सुविधा के लिए साथी योजना का ऐलान किया गया, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे, भिवानी में क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बनेगा, समर्पण मुहिम में स्वयं सेवकों को जेब खर्च, हरियाणा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की स्थापना की जाएगी। तो सीएम मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। 2022-23 का बजट पिछले बजट 2021-22 की बजट के तुलना में 15.6% ज्यादा है। उधर विपक्ष ने एक बार फिर से मनोहर बजट को कटघरे में खड़ा किया।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के बजट को जनता के साथ धोखा करार देते हुए कहा कि बजट के नाम पर सिर्फ भाषणबाजी की गई है। भाई आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कुल 8% है, कर्जा बढ़ाने का काम किया है, तो किश्त जो है 32% तो किश्त में ही चला जाएगा, बाकी और चला जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर केवल 8% का है, बिल्कुल थोथा बजट है। और कोई जैसे आंगनबाड़ी का था, कर्मचारियों की बात थी, कोई उसका चर्चा ही नहीं है। किसान की बात थी, उसको महाराज की तरह सपना दिखा रहे हैं। पहले कह रहे 2022 तक हम आमदनी दुगनी कर दें किसान तो और कर्जे में डूब गया। और अब जो है कई स्कीमों में 2030 तक पहुंच गए, वो दिखाएंगे कि 2027 में पहुंचाएंगे, 2024 तक क्या करेंगे। बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बजट पेश करते हुए प्रदेश की जनता को कई तरह की सौगात देने की कोशिश की है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस बजट को जनता किस तरह से देखती है। चंडीगढ़ से सहयोगी अमित शर्मा, संवाददाता रवि चंदेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हर खबर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम आवास पर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। ये लाइब्रेरी सीएम को मिले उपहारों की बनाई गई है। उद्घाटन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने शिरकत की। सीएम ऑफिस में बनी है ये लाइब्रेरी। चंडीगढ़ की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहते हैं। मुख्यमंत्री सीएम आवास पर लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। ये लाइब्रेरी सीएम को मिले उपहारों की बनाई गई है। देश समेत प्रदेश भर में महिला दिवस मनाया गया। इस दौरान कई जगहों पर कई कार्यक्रम भी किए गए, साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान भी किया गया। चार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, गुरुग्राम, छछरनू और बादड़ा की, जहां महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। तो वहीं आपको नू बादड़ा की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और झज्जर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश भर में महिला दिवस मनाया गया। भले ही आज दुनिया के तमाम देश और हमारा समाज अधिक जागरूक है, लेकिन महिलाओं के अधिकारों और हक की लड़ाई अभी भी जारी है। कई मामलों में महिलाओं को आज भी सम्मान और अधिकार नहीं मिलता। महिलाओं के इन्हीं अधिकार सम्मान के लिए समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से महिला दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में गुरुग्राम के जीएपी स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर स्कूल स्टाफ ने केक काट करके बड़ी धूमधाम से महिला दिवस मनाया। स्कूल स्टाफ ने रंगारंग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, साथ ही साथ स्कूल के जी बिल्कुल सर, आज के क्षेत्र, आज के टाइम में जो हमारी महिलाएं हैं वो मर्दों से बहुत आगे हैं। किसी भी चीज़ में देख लीजिए, वैसे तो इतिहास से लेकर अभी तक महिलाएं आगे हैं। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर अगर आज हम बात करें कल्पना चावला तक, तो महिलाएं बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। और आज के क्षेत्र में भी वही है, किसी भी ऑफिस में, किसी भी क्षेत्र में देखिए, हम महिलाएं बहुत आगे जा चुकी हैं। जितने भी हमारी महिला शिक्षक गण हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हर व्यक्ति के जीवन में महिला का एक अहम योगदान होता है। बात करें माता की, माता का अपनी जगह अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है, गृहिणी का अपनी जगह एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। और आज का जो हमारा जो थीम है वर्ल्ड वुमेन डे का, वो है वुमेन ऑफ टूमोरो। इट मीन्स जो हमारी नारी शक्ति है, जो हम कहते हैं कि हमारे हर पहलुओं पे कंधे से कंधे मिलाकर आज नारी चलती है। कुछ क्षेत्र में, कुछ विकास क्षेत्र में जो हमारी नारी शक्ति है वो पुरुषों से भी काफी आगे जा चुकी हैं।
चरखी दादरी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सीजीएम शिखा यादव ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ ही साथ शिखा यादव ने दीप जलाकर के कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। साथ ही साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए बैंक ने अनेक प्रकार की योजनाओं को उपलब्ध करवाया है। जितना हम उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे महिलाओं को, उतना ही जो है सो इस संसार का उत्थान होगा। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है अपने इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को हम मना रहे हैं, तो हम बैंक के माध्यम से तरह तरह के बैंक के जो लोन के प्रोडक्ट हैं उस माध्यम से जो है सो हम ग्राहकों को और खासकर जो महिला उद्यमियों को है उन महिला उद्यमियों को जो है सो हम एक तो शिक्षित भी करते हैं, वित्तीय शिक्षण के साथ साथ उनको जो है सो हम आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन मुहैया कराते हैं और उसकी ब्याज दर इतनी कम होती है जिससे कि एक छोटा सा उद्योग कुटीर उद्योग बाद में चल के लघु उद्योग बनता है, फिर मध्यम उद्योग बनता है और वही एक बड़ा उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से जगाधरी में एक मेगा मेले का आयोजन होता है, जिसमें श्रीमती रमन सलूजा वाइस प्रेसिडेंट फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। आपको बता दें कि इस मेगा मेले पर कई प्रकार के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। तलुजा शाखा प्रबंधक फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यमुनानगर ब्रांच से हूँ और आज मैं सबसे पहले सभी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूँगी। और आज हमने एक ये वुमेन्स एंटरप्रेन्योर मेला आयोजित किया है कि जो वुमेन है, जैसे कि मैडम ने भी बताया हमारी, कि आज जो वुमेन नई उभर के आ रही हैं बिजनेस करने के लिए, उनके लिए हमने ये स्टॉल्स लगाई हैं ताकि वो उनको मतलब सोसाइटी में उनको भी जगह मिल सके, वो अपना बिजनेस को फ्लरिश कर सके, आगे आ सके, इसलिए हमने ये मेला लगाया है। मैं यहाँ पर लास्ट 14 ईयर्स से अपनी वॉलंटरी सर्विसेज दे रही हूँ और लास्ट 7 ईयर से मैं यहाँ की प्रेजिडेंट रही हूँ। आज हमारा उद्देश्य महिलाओं को महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरी सबसे पहले सब महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा मकसद ये रहता है कि महिलाएं समाज में आगे आएं और अपने अधिकारों को जानें ताकि उन्हें पता चले कि हमारे को समाज में क्या अधिकार है। और आज जो महिलाएं हमने यहाँ पे एकत्रित करी हैं वो सारी महिलाएं अपना बिजनेस चलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में झज्जर के एडीआर सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जज अंकिता शर्मा और एडिशनल एसपी भारतीय डबास मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में कहा गया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जाए क्योंकि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता। वहीं CJM अंकिता शर्मा ने कहा कि कार्यशाला के दौरान भाग लेने वाली अधिकारियों और पुलिस कांस्टेबल को कार्य क्षेत्र में होने वाले यौन उत्पीड़न के संदर्भ में जागरूक भी किया गया। तो आपको बताते चले देश भर में महिला दिवस मनाया गया, इस उपलक्ष्य में तमाम तरीके के कार्यक्रम भी मौजूद है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण को चिन्हित करता है। इस उपलक्ष्य में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झज्जर ने जिला पुलिस झज्जर ब्रेक थ्रू NGO स्टैंड सस्टेनेबल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कार्यशाला का आयोजन महिला पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के लिए किया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं से जुड़े विभिन्न विषयों के बारे में बात करना था। इस कार्यशाला में मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कार्य क्षेत्र में महिलाओं का यौन उत्पीड़न, किस प्रकार महिला अपने कामकाजी महिला अपने कार्य क्षेत्र और अपने घर के घर में तालमेल। महेंद्रगढ़ में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका के साथ सुसाइड कर लिया और वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। वहां से उनको एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें मृतक ने लिखा है कि वो कुछ लोगों से पैसे मांगते हैं और अपनी प्रेमिका बिना नहीं रह सकता है और उससे बेहद प्यार करता है, इसलिए उसके साथ ही आत्महत्या कर रहा है। पुलिस की ओर से पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।
ऐसा है, हमें खबर मिली थी कि ऐसे ऐसे डेड बॉडी है एक मकान में, मौके पे हम गए थे, वहाँ जाके हमने चेक करा। नरेश कुमार का नाम का बंदा है जिसने सुसाइड किया, उसके साथ एक लेडी थी कमलेश, जिनके आपस में पहले से जानकारी थी, और हमने जाके मौके पे सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई थी, फिंगरप्रिंट के एक्सपर्ट बुलाए थे, हमने अपनी कार्रवाई की। तो नरेश कुमार की जेल से, पैंट की जेल से एक सुसाइड नोट मिला। खबर पलवल से, जहां होटल अपराध जांच शाखा पुलिस ने 5000 के नामी हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी को अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया गया था, जहां रिमांड के दौरान आरोपी राजकुमार की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया देशी कट्टा 8 कारतूस को गांव के खेतों से बरामद किया गया। CIA प्रभारी जंगशेर सिंह ने बताया कि हत्या में 2 महिला भी शामिल थी, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी हो जाएगी। चलो जी, इसमें प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार सन ऑफ उदल सिंह, आरओ सदरपुर गांव पड़ता है, सदर पलवल में इसका, और ये नुपुर के आधार पर इसको कलकाबू लिया है, और इसके जैसे 2 कप्पे हैं सर, 315 बोर्ड और 3 जिंदारों बरामद किए हैं। सर क्या क्या मामले हैं अभी? तो हमने आर्मेक्ट का पर्चा दर्ज किया इसके खिलाफ, इसके खिलाफ पहले 2 मुकदमे सदर पलवल में लूट के। तो शाम के भिवानी मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो जाता है। आपको बताते चले, एक बस ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, वहीं इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी रोड पर सांगवान नाके से 1 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट की सूचना मिली थी, मौके पर गए, उनको हॉस्पिटल में ले जाया जा चुका था। वहाँ से सूचना मिली कि भी लाल सिंह व सुरेंद्र, इन 2 की मौत हो गई है, जो दानकला गांव के थे। बस ने ऑटो को पीछे से टक्कर मारी हुई है, राजेश ऑटो चालक का बयान पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, मृतकों का पोस्टमार्टम। यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि टीम ने एक महिला और उसके पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने महिला के कब्जे से 112 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए हैं। सेल के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया कि SP कमलदीप गोयल के निर्देश अनुसार नशे के खिलाफ लगातार उनकी टीम कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पति पत्नी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। हाँ, बलोली गांव से कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि एक महिला और उसके पति है जो गांव में अवैध कैप्सूल बेचते हैं और नशे का काफ़ी कारोबार कर रहे हैं। तो उसमें हमने अपनी टीम का गठन करके और कल एक महिला को वहां पे हमने सुनीता नाम की लेडीज़ को गिरफ्तार किया, जिससे 112 कैप्सूल हमें बरामद हुए मौके पर। वहीं पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुला के और जगह इंस्पेक्टर को बुला के उसको अरेस्ट किया गया। उसने फिर बताया आगे कि मेरे पति मुझे इलाके देता था और मैं यहाँ पर घर पर। कलायत के गांव खरक पांडवा से सजुमा रोड पर मिट्टी ढोने वाले डंपर की चपेट में आने पर बिजली के 12 खंभे टूट जाते हैं। जब डंपर बिजली के पोल से टकराया, उस समय खेतों में कुछ दूरी पर महिलाएं व पुरुष काम कर रहे थे। गनीमत रही कि तार व खंभों की चपेट में आकर कोई व्यक्ति झुलसा नहीं और एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के ज्वेई सचिव राणा ने बताया कि डंपर से टकराने के कारण बिजली विभाग के करीब 12 खंभे टूट चुके हैं। करीब 600 मीटर बिजली की तार जमीन पर गिर गई है। नुकसान का आकलन लगातार किया जा रहा है। जो गांव की लाइन जा रही है। पलवल के नागरिक अस्पताल में जल्द स्नातकोत्तर डिप्लोमा की शुरुआत की जा रही है। जिला अधीक्षक डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब पलवल के नागरिक अस्पताल से डॉक्टरों को पोस्ट डिप्लोमा की शुरुआत हो रही है, जिससे डॉक्टरों को बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। वहीं NBE नई दिल्ली की टीम द्वारा नागरिक अस्पताल व उसमें स्थित ऑप्थोलॉजी विभाग का निरीक्षण भी किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय माम, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश व संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। पलवल जिले के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये कदम पलवल जिले के लिए बहुत ही अग्रसर साबित होने वाला है।
लगातार काफी समय से ऐसा देखा गया है कि डॉक्टरों की प्रदेश में कमी बनी रहती है, आमतौर से डॉक्टर सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं और उनमें से वो डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट बन जाते हैं वो उसके बाद में नौकरी छोड़ जाते हैं, तो इस वजह से एक बैलेंस तरीके से स्पेशलिस्ट सुविधाएं देनी मुश्किल हो जाती है। स्पेशलिस्ट की जो सुविधा है वो उसमें एमडी की डिग्री रहती है और इसी प्रकार के डीएनबी की डिग्री रहती है। डीएनबी का कार्य जो है राष्ट्रीय स्तर पर ये फैसला है कि ये अस्पतालों में की जाती है या फिर कुछ मेडिकल कॉलेज हैं वो भी डीएनबी के कोर्सेज कराते हैं। जिला पलवल के सिविल हॉस्पिटल को प्रदेश सरकार द्वारा चयनित किया गया है डीएनबी के कोर्सेज के लिए। हम धन्यवाद करते हैं प्रदेश सरकार का और प्रदेश प्रशासन डीजीएचएस। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।